हम निकल चुके हैं कसौली के लिए। स्टैंड दिखाएगा कसौली का। ये होटल भी मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। हम पहुंचने वाले हैं कसौली, यहाँ से 1-2 किलोमीटर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों अभी जस्ट सो के उठा हूँ और ये मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये बाहर का कोई कैफेटेरिया है, बाहर का एरिया है, कैसा बना हुआ है ना। अभी थोड़ा नहाएंगे, तैयार होंगे, थोड़ा निकलेंगे, बाहर जाएंगे। आज और कुछ एक्सप्लोर करेंगे चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ भी जाऊँगा आपको दिखा दूंगा। ये डे 2 का ब्लॉग है तो आपको बहुत मजा आएगा, एंड तक इसमें बने रहिएगा। विवेक भाई हम क्या खा रहे हैं अभी? भेल पूरी। तो दोस्तों हमारी भेल पूरी आ चुकी है। विवेक कैसी है, टेस्ट करके बताओ। क्या लग रहा है, वर्ल्ड कप सा? वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप सा लग रहा है। तो सुबह सुबह हमारी थी बहुत नींद, तो हमने ऑर्डर की थी सुबह की चाय। हमने अपनी शुरुआत की थी सुबह की चाय से। इसके अलावा हमने रेस्टोरेंट के ही मेन्यू से इनका मील ऑर्डर किया था और इसके साथ ऑर्डर किए थे पराठे। पूरे दिन हमने किया था होटल में आराम, उसके बाद हम निकल गए थे पब के लिए। गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, अब देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पब, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हम आए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, जीवी भाई होगा। तो ये थी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की एक सुंदर सी झलक, जिसके बाद हमने एंट्री ले ली थी इनके फेमस जैगवार्स क्लब में, जो कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ही पड़ता है। अगर मैं यहाँ की एंट्री की बात करूँ तो हम 4 लोग थे और हमारे चारों की एंट्री हो गई थी सिर्फ 3,000 रुपये में, जिसमें फूड भी इंक्लूड था और ड्रिंक्स भी। तो अगर आप चंडीगढ़ आने की सोच रहे हो और आप क्लबिंग करना चाहते हो तो जैगवार्स क्लब आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बस यहाँ की एक चीज़ मेरी डिसएडवांटेज लगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। दोस्तों ये चंडीगढ़ की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, अभी हम क्लब से होके आए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सारे क्लिप्स आपने देख ली होंगी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। यह चंडीगढ़ का Day 3 का ब्लॉग, Day 2 का ज़्यादा नहीं बन पाया, जितना बना मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बाकी आज हम जा रहे हैं कसौली हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे घूमेंगे। अभी ऑटो किया है हमने, वहाँ तक हमें छोड़ देगा। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर है और बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू है, सारा आपको दिखाऊंगा। और क्या बजट रहता है वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप आना चाहते हो चंडीगढ़ या फिर कसौली तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, अभी जिसमें तैयार होने जा रहा हूँ और कुछ ऑर्डर करूँगा ब्रेकफास्ट के लिए यहीं होटल से। होटल का भी बहुत अच्छा है, कल भी मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों हमने ऑर्डर किए हैं बर्गर सिंह से, बर्गर किए हैं जिमी भाई, विवेक भाई और हनी। तो हमने बर्गर सिंह से बर्गर ऑर्डर किया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कसौली के लिए, हम नीचे जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया हमारे आ गए, बहुत अच्छे हैं बेचारे, कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, लगाव हो जाता है ना। ये भी यूपी से हैं भैया, नीचे खड़े। बाकी लिफ्ट भी अपनी रेडी है यहाँ पर, पानी की बोतल रख ली है, अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, नीचे इसको फिल कर लेंगे। अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हो तो होटल आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो, जो कि जीरकपुर में पड़ता है। विवेक भाई लेके जा रहे हैं हमें, बैग रखते हो। अगर हम चंडीगढ़ से कसौली कैब से जाते तो लगभग हमारे 2 से 2,500 रुपये लगते, वो तो भला है भैया का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और 1,000 रुपये में वहाँ ऊपर कसौली में पहुँचा दिया। लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था और हमें भंडारा देखने को मिला था, तो हमने भंडारा भी खूब एंजॉय किया। जब भी आप चंडीगढ़ का प्लान बनाओ तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कसौली का भी प्लान जरूर बताना, क्योंकि हिमाचल वहां से बहुत पास पड़ता है। तो हम पहुंचने वाले हैं कसौली, यहाँ से 1-2 किलोमीटर। अभी पानी पीने के लिए रुके थे, यहाँ मैगी पॉइंट बना हुआ है और ठेका भी है बराबर में, विवेक पीछे है मेरे। अब यहाँ से जाएंगे अपने होटल, होटल दिखाऊंगा पूरा कैसा है अंदर से। विवेक भाई आ चुके हैं। गाइस व्यू कैसा लग रहा है बताओ? मैंने बोला हम पानी पीने के लिए रुके थे, पानी लेने के लिए, प्यास लग रही थी, बराबर में ठेका भी है।
यार कोल्ड ड्रिंक को लेनी थी, कोल्ड ड्रिंक मिली नहीं। चलो आगे देखेंगे है ना। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस रास्ता देख सकते हो आप कितना खड़ा है। हम तो भाई पैदल उतर गए, अभी हम पलट पलट जाए भाई, ऐसा रिस्क लेना बेकार है। अभी भी आप देख सकते हो कितना नीचे है, ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हो। तो क्लाउड बेरी स्टेज के नाम से हमारा ये होटल था कसौली में। बाकी सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस ये है मेरा होटल, आपको रूम दिखाता हूँ। ये इस टाइप का व्यू है जिमी भाई। अभी फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया है मैंने, जब कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये बालकनी का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बालकनी है। देखो इस टाइप का व्यू आ रहा है पीछे। कसौली में आपको स्टे तो बहुत ही चीपेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गाइस ये है मेरा रूम, आप देख सकते हो। कोविड हो गए बेटा, साइड हो ना। एक भाई कैसा लग रहा है तुम? भाई बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। भाई ने तुम्हारे भाई की टी शर्ट ट्राई की है। भाइयों में क्या सब अपनी है ना। स्टंट दिखाएगा, बैक जंप। जलंधर थोड़ा नाम करते हैं यार। अच्छा रे तेरे गाइस थोड़ा नाम करेंगे अब। मैं टॉवल लपेट के आ गया, आराम करने के बाद आपसे मिलेंगे गाइस। थोड़ा ऊपर जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और गाइस मैंने जिम स्टार्ट किया पहले, बता बेहतरीन। बैक पे टी शर्ट कैसी लग रही है बताना है ना कमेंट्स में। चलो जलंधर जलंधर चलो। ये अपना रूम है भाई, आप देख सकते हो भाई, रूम अपना ही है। कसौली का ये होटल भी मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो टेरेस व्यू था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। बाकी इवनिंग में हमने ऑर्डर की थी इनकी प्लेन मैगी और साथ में थी गरम गरम चाय। गाइस ये देखे कितना अंधेरा हो रहा है, जंगल में जा रहे हैं हम। इसे भी दिखा दे शतरंज को। दोस्तों हम बाहर निकले हैं, मार्केट पूरी बंद हो गई और अंधेरा हो रहा है, आगे जा रहे हैं जंगल। ये देखिए आप हनी और विवेक को, ये कहीं जाके हमें उजाला मिला है। अभी भेड़िया भी आ सकता है यहाँ पे, कहीं जाके अब जान में जाना ही है दोस्त। ये देखिए लाइट है, पहले की तरह जान अटक गई थी। हाँ ये अकेले पता चलेगा जब क्या अटक गया था। गाइज एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो मार्केट है वो 8 बजे ही बंद हो जाती है, तो आप ये गलती ना करें, 8 बजे से पहले ही घूम लें। तो हम निकले थे थोड़ा घूमने और मार्केट एक्सप्लोर करने, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी। नाइट में इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो रियल लाइफ से देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कैमरे में नहीं दिख पाता। गाइज यहाँ तो 8 बजे ही मार्केट बंद हो जाती है, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हम लेट निकले हैं, सारा टाइम अंदर ही हो गया था हमें होटल में, तो हमें पता नहीं था, हमें तो लगा मार्केट खुली होगी, मार्केट सारी बंद ही मिली हमें। गाइस ये देखिए ट्रेन जा रही है सामने, ये देखिए पहाड़। बाकी डिनर में हमने ऑर्डर किया था इनका बटर चिकन, साथ में थी पनीर भुज्जी और इनकी मखनी दाल, और साथ में थे राइस और रोटी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल, आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है हमारा day 4, आज हम घर जाएंगे। तो कसौली का कुछ व्यू है मॉर्निंग का, आप लोग देख सकते हो यार, कसौली पड़ता है हिमाचल प्रदेश पे, और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चीपेस्ट यहाँ पर रहता है, कुछ भी महंगा खर्चा नहीं है, मतलब खाना थोड़ा महंगा है यहाँ पर, लेकिन स्टे का काफ़ी चीपेस्ट है यहाँ पर। तो इस टाइप का व्यू आप देख सकते हो। बाकी अभी थोड़ी रेडी होके निकलेंगे घर के लिए यार, घर भी जाना है, बहुत दिन हो गए। 4 दिन की ट्रिप थी, बहुत अच्छी रही, मेमोरेबल रही। तो इस टाइप से व्यू है। अभी ब्रेकफास्ट मंगाया, ब्रेकफास्ट में चाय पराठे मंगाए हमने, अभी आने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा टेरेस पर आ गया था, टेरेस का ही व्यू है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको होटल का
कार्ड या मैं आपका एड्रेस मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, आप आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हमारा कितने का ये होटल रहा है, एक दिन का हमारा रहा 2500 रुपये समथिंग, ये होटल हमें मिल गया जिसमें हमें 4 लोग। गाइस कभी कभी मैं ये सोचता हूँ पहाड़ पे आना, माउंटेन्स पे मतलब रहना कितना डिफिकल्ट होता है ना यार इनकी लाइफ, मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना और स्ट्रगल करना फूड के लिए, मतलब कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। अभी नीचे भैया एक जो यहाँ वर्क करते हैं, सर्व करते हैं चीज़ें, है ना, मैंने उनसे पूछा भैया क्या रहता है, तो उन्होंने बताया मेरी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो यहीं पर रहते हैं, जब भी फ़ोन वगैरह आता है तो उनको भागना पड़ता है। यार इंसान कितनी मेहनत करता है, और वो यहाँ के भी नहीं है, कहीं दूर के किसी गाँव के बता रहे हैं पहाड़ पर। यार पहाड़ी लोग जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, इनकी एफर्ट्स को ना मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं सही में। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है यार अपनी चीज़ों के लिए, मैं पहाड़ी लोग को नहीं कहूँगा, इनके एफर्ट्स को तो भाई सैल्यूट है ही, लेकिन सभी को मेहनत करनी चाहिए भाई, मेहनत करना बुरी बात नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा यार यहाँ के लोग, मुझे बहुत अच्छे लगे। ऑटो वाले भैया भी जो हैं, मैंने आपको ब्लॉग में भी आ रहे होंगे, तो उनकी भी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी यार। कल वो हमें छोड़ने आए थे बेचारे, उनका चालान भी कट गया, पर यार हमें अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच भैया। और बाकी तो आज निकल जाएंगे, 4 दिन का ट्रिप है, अच्छा 3 दिन तो ऑलमोस्ट हो गए, और 4th डे हम घर पहुंच ही जाएंगे। आज शाम की ट्रेन है 4 बजे की चंडीगढ़ जंक्शन से, और हम पहुंच जाएंगे ऐसे ही 9-10 बजे घर पहुंच जाएंगे, मतलब दिल्ली में पहुँच जाएंगे। ले रूम का व्यू है, मैंने आपको दिखा दिया, छत का व्यू है, टेरेस का भाई। होटल एक नंबर लगा मुझे कसौली में, ये मिडल में पड़ेगा, और मतलब एक नंबर होटल है। दोस्तों ब्रेकफास्ट में हमारे पास चाय, ये है बटर, ये है कर्ड दही, और ये है पनीर और आलू के पराठे। अब मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि निकलने का टाइम हो गया, चेकआउट का टाइम हो गया, और सामान सारा फैला हुआ है, ये लगाऊंगा, विवेक का बैग है, मेरा बैग है, सारा फैला हुआ है, ये बूट्स हैं, सब रखेंगे, इनको मैनेज करते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस चेकआउट कर दिया है, बस अब जा रहे हैं धर्मपुर का व्यू देख सकते हो, हम ही आते हुए जाने का समय हो गया, बहुत अच्छी जगह है भाई, एक बार जरूर आना है जी भाई, मजा आ गया धर्मपुर, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा, दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया, देखता है। तो आते टाइम हमने कर ली थी बस, बस से हम चंडीगढ़ पहुंच गए थे 1 से 1.5 घंटे में। गाइस रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, 4 बजे की ट्रेन है, अभी एक भी नहीं बजा, बस जल्दी ले आई ऑटो से भी। ये रे जिमी भाई, ये सामने स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे जंक्शन, अब अंदर चलते हैं बैठेंगे। गाइस ये पेंटिंग कर रखी है देखो रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों बॉयज आ चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, गाइस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं मामा के यहाँ पर उनके घर, तो बने रहिएगा।
तो 4 दिन की हमारी ये ट्रिप थी जिसमें हमने न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ से हिमाचल भी घूम लिए थे। अगर आप भी कम बजट में चंडीगढ़ जाना चाहते हो या हिमाचल जाना चाहते हो तो इस ब्लॉग को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।